हेलो फ्रेंड्स, डाइटिशियन आज आपके लेकर आ रहा है समर स्पेशल नए फ्लेवर की कोल्ड कॉफ़ी। ये आपने शायद ही ट्राई की होगी। पहली जो कोल्ड कॉफ़ी है वो है एलमंड कोल्ड कॉफ़ी और दूसरी है आइस बनाना कोल्ड कॉफ़ी। एकदम नए फ्लेवर के साथ वीगन कॉफ़ी आप इसे कह सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही परफेक्ट है, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहली रेसिपी, एलमंड कोल्ड कॉफ़ी। तो सबसे पहले गाइज, हम यहाँ पर लेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। 3 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी एक बोल में आप डाल लीजिए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गर्म गर्म पानी। पानी डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कॉफ़ी जो है पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको आप एक तरफ रख लीजिए। अब हम लेंगे यहाँ पर बादाम। तो बादाम मैंने लिए हैं 25 से 30। इनको आपको भिगो लेना है ओवरनाइट, और भिगोने के बाद इनका छिलका उतार लीजिए और इनको एकदम ड्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं बादाम एकदम ड्राई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है एक ब्लेंडर, बादाम को इसमें डाल देंगे और हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर एलमंड मिल्क। मीठे के लिए हम डालेंगे यहाँ पर 1.5 सीडलेस। तो 6 से 7 मैंने ली है खजूर। आप चाहे तो ब्राउन शुगर, कोकोनट शुगर कोई भी इसमें डाल सकते हैं। 1 ग्लास डालेंगे पानी और इनको डालकर हमें ब्लेंड कर लेना है। तो ये जो कॉफ़ी है, वीगन कॉफ़ी भी हम कह सकते हैं, बहुत ही हेल्दी डिलीशियस है। तो देखिए एकदम एलमंड मिल्क जो है रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो ऐसी रहेगी। अब आप इसको एक तरफ रख लीजिए और अब चलिए बनाते हैं हम कॉफ़ी। तो 1 ग्लास ले लीजिए और उसमें डाल लीजिए ढेर सारी आइस। और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एलमंड मिल्क जो कि हमने बनाया था। अच्छे से डाल लीजिए, आधे से ज़्यादा ग्लास एलमंड मिल्क का डाल लीजिए और फिर इसमें डालिए कॉफ़ी ऊपर से। ये जो कॉफ़ी है हेल्दी है, डिलीशियस है और एकदम नए फ्लेवर की है, वीगन है। कॉफ़ी डालने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए और गाइज एलमंड कोल्ड कॉफ़ी बनकर आपके ग्लास में रेडी है। आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको बनाना और हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। टेस्ट बहुत ही जवाब ज़बरदस्त है। तो आप इसको ट्राई कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर। तो एक कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं दूसरी कॉफ़ी की तरफ जो कि है बनाना आइस कोल्ड कॉफ़ी। अमेजिंग डिलीशियस सिंपल। सबसे पहले ब्लेंडर लेंगे, आइस क्यूब डाल लेंगे और 1 बनाना पीसेस करके आप इसमें डाल लीजिए। और अब हम डाल देंगे एलमंड मिल्क 1/2 ग्लास के करीब जो कि हमने अभी बनाकर तैयार किया था। तो यहाँ पर 2 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें सिंपल इसको ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करने के बाद गाइज इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो ऐसी होगी। तो आप देख सकते हैं हेल्दी तो है ही क्योंकि हमने आलमंड लिया है, बनाना इसमें डाला है, शुगर इसमें यूज़ नहीं किया है, जो नेचुरल शुगर है उसी को यूज़ किया है। अब हम लेंगे ग्लास, बहुत सारी आइस इसके अंदर डाल लीजिए और सबसे पहले इसमें डालेंगे हम कॉफ़ी। देखिए क्या बढ़िया लग रही है, एकदम आइस कोल्ड कॉफ़ी। ऐसे भी आप इसको पी सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे बनाना शेक या बनाना एलमंड मिल्क, जो भी आप इसको नाम दें। अच्छे से डाल लीजिए और डालने के बाद गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा इसको फिर से कॉफ़ी के द्वारा। और आप देख सकते हैं रेडी है हमारी बनाना आइस कोल्ड कॉफ़ी, एकदम नए फ्लेवर के साथ, इजी डिलीशियस सिंपल। तो दोनों ही कॉफ़ी जो हैं बहुत ही टेस्टी अमेजिंग है। तो आप इस समर में इनको ट्राई कीजिए क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो सब पीते ही हैं, लेकिन आपके पास है 2 नई रेसिपी कोल्ड कॉफ़ी की, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको पसंद आती है तो चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ इन्जॉय कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।